हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे आज बात करने वाले हैं TYBAF क्लास सेम 5 वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग 6। काफ़ी बच्चों की डिमांड थी सर ये टॉपिक लेके, चलिए मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का बना दिया है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनेंशियल अकाउंटिंग 6 का। जिन बच्चों ने नहीं देखा आप जाके देख सकते हो। तो वहाँ पर मैंने आपको ये गाइड किया था कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एंड गुडविल जो टॉपिक है, दो पार्ट में हमारा डिवाइड है, शेयर्स एंड गुडविल। 15 का शेयर बनता है एंड 15 का गुडविल वाला कॉन्सेप्ट बनता है। अगर आप कंपेयर करोगे तो शेयर्स मुझे लगता है आपको इजी पड़ेगा, दोनों के कंपेयर जब आप करोगे तो भाई ये इजी टॉपिक है। कितने मार्क्स का है भाई? 15 मार्क्स। कितने मार्क्स का बनने वाला है? 15। तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर के जितने भी टॉपिक्स है, जितने भी टाइप ऑफ सम बन सकते हैं, सब मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा। चलिए बात करते हैं पहले कितने मेथड हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर कैलकुलेशन के। कितने मेथड हैं? 3 मेथड हैं, जिसमें से 2 मेथड आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। पहला है इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, पहला दिख रहा है इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। सेकंड है यील्ड वैल्यू मेथड। सेकंड क्या है? यील्ड वैल्यू मेथड। थर्ड मैंने लिखा नहीं, अभी लास्ट में कराऊंगा। 2 मेथड आपके सामने जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। स्टार्ट करेंगे एक एक, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर प्रैक्टिकल पे शिफ्ट होंगे। मैं सीधा प्रैक्टिकल पे इसलिए चल रहा हूँ कि भाई टाइम आपके पास लिमिट है, क्लियर है? सीधा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे चलूंगा। इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड का कॉन्सेप्ट क्या है, फॉर्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ पर शेयर, पर शेयर निकालने का क्या कॉन्सेप्ट है भाई? अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर क्वेश्चन में हमेशा गिवन पार्ट में ही होगा, बट हमें ढूंढना है अमाउंट कितना है इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। इसके लिए टेबल दिख रहा है हमें, टेबल दिख रहा है आपको भी, असेट माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटी कर देना है। ये अमाउंट अवेलेबल कहाँ से मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर के लिए? सिंपल कॉन्सेप्ट सर, असेट माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटी में कर दूंगा तो जो अमाउंट बचेगा वो किसका बच जाएगा? अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर का बचेगा। अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को भी माइनस लेना है, क्योंकि हम लोग फाइंड कर रहे हैं भाई अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर नहीं, इक्विटी शेयर होल्डर। इजी मिल जाएगा सर, कैसे मिलेगा? असेट माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटी कर दूंगा, प्रेफरेंस डिविडेंड को उसके बाद माइनस कर देना है, अमाउंट मिल जाएगा। नंबर ऑफ शेयर क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है, डिवाइड कर दूंगा, आंसर मिल गया। मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड का कॉन्सेप्ट तो भाई बहुत सिंपल है। इल्ड पे जब आते हैं, इल्ड वैल्यू मेथड का क्या कॉन्सेप्ट है? पर शेयर का क्या कॉन्सेप्ट है भाई? कैपिटलाइजेशन वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर तो टेबल में बैलेंस शीट में ही अपने मिलेगा, बट कैपिटलाइजेशन वैल्यू कैसे मिलेगा? कैपिटलाइजेशन वैल्यू का कॉन्सेप्ट है नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बेसिकली क्वेश्चन में गिवन पार्ट होता है, अपना दिया रहता है। अभी हमें ढूंढना है नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, इसके लिए ये कॉन्सेप्ट है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ गया तो भाई टॉपिक क्लोज, इजी है, चीजें आपने पहले भी पढ़ी होंगी। एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स है इसका मतलब क्या? ध्यान रखना यहाँ पे वर्ड क्या यूज हुआ है, इंपॉर्टेंट वर्ड को हाईलाइट करो। जो एवरेज की बात करें, ध्यान रखना एवरेज हमेशा दिया नहीं होगा, एवरेज हमें करना पड़ेगा। एवरेज कैसा करेंगे भाई? जितने साल का प्रॉफिट है डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। कितने साल का प्रॉफिट लिया? 3 साल का प्रॉफिट, 3 साल के प्रॉफिट को ऐड डिवाइड बाय 3। 4 ईयर का प्रॉफिट है तो 4 ईयर का प्लस करेंगे डिवाइड बाय 4। तो एवरेज करना हमारे लिए आसान है। बिफोर अगर टैक्स है तो टैक्स को माइनस करेंगे और कन्वर्ट कहाँ कर देंगे? आफ्टर टैक्स में। क्वेश्चन में अगर प्रेफरेंस डिविडेंड मीन्स प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रहेगा तो प्रेफरेंस डिविडेंड आएगा, या फिर अगर क्वेश्चन क्लियर मेंशन कर रहा है ट्रांसफर टू रिजर्व करना है प्रॉफिट में से, तो वो चीज़ माइनस हो जाएगी। देन जो अमाउंट बचेगा वो होता है हमारा नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। क्लियर समझा? आज के प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जितना काम है उतना काम हमने पहले से करके रखा है, क्लियर है कि नहीं? क्लियर। तो चलिए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर, क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। बैलेंस शीट का समरी देके रखा है, लाइबिलिटीज है, असेट्स है, नीचे लाइन मेंशन कर रहे भाई द कंपनी ट्रांसफर 20% ऑफ इट्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स टू जनरल रिजर्व, जो मैंने मेंशन किया था। इसका यूज कहाँ पे है? यहाँ पे देखो, ट्रांसफर टू रिजर्व, कितना परसेंट?
सर 20% क्लियर क्वेश्चन मेंशन कर रहे हैं, तो अगर मैंने फॉर्मेट बना के रखा है, कॉन्सेप्ट बना के रख लिया है, तो यहाँ मैं मेंशन कर दे रहा हूँ कितने परसेंट की बात कर रहे हैं भाई, 20% ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। क्लियर, आगे का डिटेल्स जरा देखो भाई। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वर्ड ध्यान रखना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, बिफोर टैक्स है और एवरेज भी नहीं है, तो इसका मतलब एवरेज करना पड़ेगा हमें। क्या क्या दिया भाई, 3 साल का प्रॉफिट दे के रखा है, 3 साल का प्रॉफिट दे के रखा है। क्लियर है, दोनों में से किसी एक मेथड को पहले सेटल कर लो, तो पहले मेथड से स्टार्ट करेंगे ज़्यादा बेस्ट है। पहला मेथड क्या सिखाता है हमें, एक एक चीज़ें समझ रहे हैं, ये टेबल मीन्स अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कैसे फाइंड आउट करोगे, मैंने बताया था स्टेप वन में क्या लिखने का, असेट्स, क्या लिखना है असेट्स। चलो बैलेंस शीट में से असेट बताओ कौन कौन सा है, बैलेंस असेट का नाम पहला क्या है, मशीनरी, नेक्स्ट कौन सा है, फर्नीचर। आई होप फर्क बच्चे को दिख रहा होगा भाई, असेट साइड से कॉपी कर लेना जितने भी असेट हैं। नेक्स्ट स्टॉक, चलिए नेक्स्ट डेटर्स, और असेट है कैश एट बैंक। इसी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लाइन सुन लो, अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में किसी भी असेट की न्यू वैल्यू दिया है तो वो यूज करना है, जैसा कि मैं सम जब पढ़ूंगा तो वहां पे नीचे देखो ना लाइन मेंशन है भाई, मशीनरी इज वैल्यूड एट ₹6,37,200, मतलब नई वैल्यू दिया है, तो मैं यहाँ देखो ना आपके समझने के लिए मेंशन भी कर दे रहा हूँ कि मशीन का कौन सा वैल्यू यूज करने का, न्यू वैल्यू, और भी किसी असेट, फिलहाल तो ये पहला समय भाई एक ही असेट की न्यू वैल्यू है, बट अगर आने वाले और समय ध्यान रखना न्यू वैल्यू हमेशा दिया रहेगा, तो वो यूज करना है। चलो मशीन का अमाउंट कितना, 637,200। आई होप फर्क बच्चे को समझा, न्यू वैल्यू यूज करने का, बाकी का बैलेंस शीट से कॉपी कर दो। फर्नीचर कितना है, टोटल लो कैलसीप है, कैलसी पे टोटल भी करते रहो ना, बैठे क्यों। स्टॉक कितना, 1240 कितना है, 1240,000। नेक्स्ट बढ़ाओ, डेटर 4,12,000, नेक्स्ट 6,800, लास्ट 8,68,000। जितने भी असेट थे लिख लिया, कोई असेट अगर न्यू वैल्यू है तो वो लिख लेने का। अब इसका कर दो आप टोटल, इसका क्या करना भाई टोटल, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टोटल ए, टोटल में से मैंने बोला था आपको भाई माइनस कर दो, कितना है टोटल बता दो, 33। आई होप फॉर एक बच्चे का यही आंसर आया भाई, टोटल कर लिया सिंपल है, माइनस करना है आउटसाइडर लाइबिलिटी, माइनस करना है मीन्स लेस करना है आपको आउटसाइडर लाइबिलिटी, आउटसाइडर लाइबिलिटीज। चलो आज और लाइबिलिटीज वाले पार्ट पे जरा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया है, क्रेडिटर दिया, ध्यान रखना रिजर्व नहीं यूज करना है, रिजर्व मीन्स पीएनएल, रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, ये सब यूज नहीं होंगे आपके। तो ये बचा कौन है, दो लोग, कौन है, क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, और कौन है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, क्रेडिटर्स कितना बोलो, 18। चलो नेक्स्ट प्रोविजन कितना, 396,000। टोटल ले लो दोनों का, 12,14,000 कितना मिला, 12,14,000। ये क्या मिल गया आपको, टोटल बी का, इसका नाम क्या लिखने का, टोटल बी। ध्यान से फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सुन लेना, काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होगा, मैंने बोला जितने भी असेट है सब लिख लिया करो, अगर न्यू वैल्यू पे है तो न्यू वैल्यू लिखने का, लाइबिलिटी में आउटसाइडर लाइबिलिटी है, किसको नहीं लिखना है, इक्विटी शेयर कैपिटल को नहीं लिखना है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को वहाँ पे नहीं लिखना, और जितने भी आपके रिजर्व होते हैं, बायबैक पड़े तो पता होगा रिजर्व कौन कौन से, कोई भी रिजर्व, पीएनएल, सिक्योरिटी प्रीमियम को नहीं लिखना,
टोटल किया बी आ गया। अब इसके बाद अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया होता क्वेश्चन में तो यूज करने का, नहीं दिया इस समय तो सीधा माइनस कर दो, माइनस कौन सा टोटल का ए माइनस टोटल का बी, आंसर मिल जाएगा अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर माइनस कर दो 21,50,000। आई होप हर एक बच्चे को समझा होगा हमने ये क्या कैलकुलेशन किया भाई, अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अब ये वैल्यू आ गया तो देखो ना कितना सिंपल टॉपिक में हमारा आंसर आ रहा है। अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितना दिख रहा है, कितना दिख रहा है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 21 डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर बैलेंस शीट से मिल जाएगा। क्लियर लिखा देखो ना 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 20 कितना है 50,000 डिवाइड बाई 50,000 रुपीज 43। ये मेथड अगर क्लियर है तो 7.5 मार्क्स आपका क्लियर हो गया भाई, आधा काम आपने कर दिया तो पूरा मार्क्स मिला। इसमें मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई दिक्कत आती, मतलब ये मेथड सबसे सिंपल अगर देखोगे तो ये मेथड पब्लिक को पढ़ता है, मीन्स आप लोगों को पढ़ता है। इल्ड मेथड कुछ बच्चों के लिए कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, लेकिन समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अब क्वेश्चन रीड करेंगे क्या बोला था वहाँ पे, 3 साल का प्रॉफिट दिया, प्रॉफिट को क्या करना है एवरेज, एवरेज कैसे करने का, कितने साल का प्रॉफिट है भाई 3 साल, पहले साल का प्रॉफिट कितना है, पहले साल का प्रॉफिट कितना है फर्स्ट ईयर का 5 लाख प्लस कर दो सेकेंड ईयर का प्रॉफिट, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट कितना 7,42,000। नेक्स्ट ईयर 7,87,000 डिवाइड बाई 3, कितने साल का प्रॉफिट है भाई 3, तो 3 डिवाइड बाई 3 कर दो, कितना आंसर आया 6,88,000। मुझे नहीं लगता है एवरेज करने में किसी बच्चे को कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन रहेगी। अगर क्वेश्चन पहले से ही एवरेज दिया तो भाई बेस्ट है, नहीं दिया तो इजी आप इस तरीके से कर सकते हो। टैक्स के बारे में डिटेल्स हमेशा मेंशन होगा, टैक्स क्लियर बोला भाई, टैक्स रेट 50% है आपका, टैक्स रेट कितना परसेंट की बात कर रहा है 50 50 मीन्स हाफ कर दो इसका 344 आ गया, इसी का 50 करना मतलब हाफ हो गया, और ये क्या करना है माइनस, तो माइनस कर दोगे सेम यही अमाउंट बचेगा। देखो ना कितना इजी वे में स्टेप चल रहा है हमारा, 344 मिला। नेक्स्ट प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो दिया ही नहीं है तो इसको आप कट कर देना। यहाँ पे बोला है ट्रांसफर टू रिजर्व करना है कितना परसेंट 20% किसका करना है ध्यान रखना प्रॉफिट का करना है, तो 344 का 20% निकालो आप 68,800। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अगर दिया रहता तो प्रेफरेंस डिविडेंड निकलता है, माइंड में रख लेना, अभी आगे आने वाले सब में निकलेगा, माइनस कर दो और फाइनल आंसर बताओ 275,200। क्लियर है कि किसी बच्चे को कोई डाउट है, डाउट नहीं होना चाहिए कोई, मुझे नहीं लगता सिंपल वे में कैलकुलेशन चल रहा है। आगे वैल्यू पुट अप करते हैं जरा, कैपिटलाइजेशन वैल्यू बता रहा है, नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितना मिला 275 डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, हमेशा क्वेश्चन में गिवन में होगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, देखो ना वहाँ पे दिया एवरेज इल्ड इन द टाइप ऑफ बिजनेस 20% कितना परसेंट है, तो ध्यान रखना यार 20 लिखना परसेंट नहीं लिखना क्योंकि आप 100 ऑलरेडी वहाँ पे लगा रहे हो, तो कैलसी उठा लो 275 200 × 100 डिवाइड बाई 20 कर दो और आंसर बताओ कितना आया 27.52% कितना आया 27.52 क्या वो फाइनल आंसर रहेगा ना, वो तो डिवाइड करने पे कितना आ रहा है 76,000। लास्ट है आपका वैल्यू पर शेयर, फॉर्मूला क्या है भाई कैपिटलाइजेशन वैल्यू, कैपिटलाइजेशन वैल्यू आपने कितना निकाला सामने दिख रहा है, सामने दिख रहा है वैल्यू 13,76,000
76,000 डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर कितना था 50,000 डिवाइड कर दो 20 77.52 सही है ना, क्लियर है? दोनों मेथड में कोई दिक्कत है? आई थिंक किसी को कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। किसी बच्चे को दिक्कत है? नहीं। लास्ट आपका है फेयर वैल्यू मेथड। लास्ट आपका कौन सा है? फेयर वैल्यू। कितने मेथड है आपके पास? 3। बट एग्जाम में बेसिकली ये दो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दो अगर आपने निकाल लिया तो फेयर वैल्यू मेथड आपने निकाल लिया। फेयर वैल्यू का कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला देखो ना क्या बता रहे हैं। इंट्रेंसिक वैल्यू मेथड प्लस यील्ड वैल्यू मेथड। क्या बोला गया? रिपीट। इंट्रेंसिक वैल्यू मेथड प्लस यील्ड वैल्यू मेथड डिवाइड बाय टू मतलब एवरेज करने की बात कर रहे हैं दोनों मेथड को, तो आप इजिली कर सकते हो। कैसे? देखो ना, मैंने क्या बोला, इंट्रेंसिक वैल्यू मेथड कितना आंसर मिला? 43। तो आपको कैलसी पे लिख लेना है 43 प्लस सेकेंड मेथड का कितना मिला 27.52 डिवाइड बाय टू कितना आया 35.26। ये आपका फेयर वैल्यू मेथड का कॉन्सेप्ट हो गया। फेयर वैल्यू मेथड इजी फॉर्मूला है, इंट्रेंसिक वैल्यू मेथड प्लस यील्ड वैल्यू मेथड डिवाइड बाय टू। इंट्रेंसिक वैल्यू मेथड का आंसर आया 43 प्लस 27.52 डिवाइड बाय टू, एंड फाइनल आंसर अपने को मिल गया 35.26। ये हमारा फेयर वैल्यू मेथड हो गया। इस क्वेश्चन में पूछा नहीं था बट मैंने करा दिया, आगे आने वाले एग्जांपल्स में बट पूछे जाएंगे, क्योंकि हम लोग पहले 3 से 4 सम 5 सम बेसिक लेवल के करेंगे, मतलब प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद मैं सीधा प्रीवियस ईयर के पेपर आपको सॉल्व करा के दे दूंगा। क्लियर है? और टॉपिक का ध्यान रखना, टॉपिक का मैं प्लेलिस्ट भी बना दूंगा वैल्यूएशन ऑफ शेयर के नाम से, तो बैफ वाले बच्चे इजिली जाके वहाँ पे आप देख सकते हो लाइन टू लाइन। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बीकॉम एंड बैफ वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।